कराची। तीन दिन से जारी कराची शहर के पीच लक्सरी होटल में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल अपने अहतमाम पे पहुंचा। तीन दिन से जारी सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में कराची, हैदराबाद, सखर, घोटकी, लाड़काना और बलूचिस्तान से लोगों ने शिरकत की। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में अदबी शायरों के अलावा साफियों, कालम निगार, गुलूकार, सियासी, समाजी व कौम परस्त रहनुमाओं की भी शिरकत हुई। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में आखिरी दिन पे सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी, मैडम बुशरा, सैयद नफीसा शाह, अली काजी, वसीम बदामी, अयाद लतीफ़ पलेजो, मुर्तज़ा वहाब, अमर जलील, अयाज गुल, इमदाद हुसैनी, सुरहाब सुमरो, अली गुल मला, असद कुरैशी, जामी चांडियो, मेहताब अकबर राशिदी, मज़र अब्बास, सोहेल वड़ाइच और हाफ फ्राई होने वाले नौजवान दीपक राज व दीगर शोबों से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने के साथ हर ज़बान के लोगों ने सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत की। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें किताबों के स्टॉल, सिंधी अजरकों के स्टॉल, सिंधी बर्तनों के अलावा खाने पीने के भी स्टॉल लगाए थे। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में आने वाले लोगों ने नौजवानों के साथ, औरतों समेत बच्चों और बड़ों के साथ हर उम्र के लोगों ने शिरकत की। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में आने वाले तमाम लोगों ने प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र नाजिया मीर, इजाज मंगी, जोहेब काका और नसीर गोपाम की काविशों को सराहा। जबकि सिंध फेस्टिवल लिटरेचर में म्यूज़िकल प्रोग्राम में सिंध के लोक फनकारों ने भी शिरकत की और अपने मधुर आवाज़ों से पिंडाल में बैठे हज़ारों लोगों को झुमाने पर मजबूर कर दिया। मज़र हुसैन और खुशबू लगारी के सिंधी कौमी बलोची और सूफियाना कलाम पे नौजवानों के साथ औरतें और बच्चे भी झूमते रहे। बागी सागर पवार, ब्यूरो चीफ, विन न्यूज़, कराची।